नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। वैसे तो संक्रांतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन हर संक्रांति के अपने महत्व होते हैं। जितना महत्व मकर संक्रांति का होता है, उतना अन्य किसी का नहीं। आज हम मकर संक्रांति के संयोग पर बात करेंगे और बताएंगे अलग अलग राशि पर मकर संक्रांति का क्या प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही ज्योतिष से जानेंगे मकर संक्रांति पर अगर आप कोई विशेष उपाय करते हैं तो इसका कितना लाभ आपको मिलेगा। इस संक्रांति पर पूजा का विधि विधान क्या है। मकर संक्रांति के अवसर पर अलग अलग राशियों के लिए सूर्य पर मकर में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा और अलग अलग राशियों के लोगों को क्या उपाय करने होंगे। जिस दिन विशेष को ये घटना घटती है कि जब सूर्य ट्रांजिट करता है एक राशि से दूसरी राशि में, उसी दिन को संक्रांति काल या संक्रांति दिवस कहा जाता है। अब जहां तक मकर का सवाल है, मकर ही क्यों इतनी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है, तो उस बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें अंधेरे के घर में उजाले का आगमन होता है। मकर जो राशि है वो शनि की राशि है। शनि जो कि एक तमोगुणी प्लैनेट है और अंधेरे का कारक है, लेकिन जब अंधेरे के घर में, जब मकर के घर में सूर्य आते हैं तो उसे मकर संक्रांति का नाम दिया गया है। अंधकार से प्रकाश का प्रतीक है, इसीलिए इसका इतना महत्व है। आचार्य जी, शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि हर कोई पूजा पाठ करता है इस दिन और पूजा पाठ करना काफी विशेष माना जाता है इस दिन, तो शुभ मुहूर्त क्या है? बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मकर संक्रांति भी हो और उस दिन रवि योग, जिसका संबंध सीधा सूर्य से है, वो भी हो और वो भी रवि योग हमें प्रातःकालीन शुभ वेला में मिल जाए। तो सुबह 6:13 से 7:18 तक रवि योग रहेगा, सूर्य भगवान उदित हो रहे होंगे और यही समय उनकी पूजा का सबसे उत्तम समय है। तो जो भी प्रातःकालीन तकरीबन 6 से 7:30 आप मान लीजिए, अगर अपने आप को आप इस 1-1.5 घंटे को सूर्य देव की उपासना को दे देते हैं तो बड़े शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये तो बात हुई शुभ मुहूर्त की, लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मकर संक्रांति का ज्योतिष संबंध क्या है। नीति जी, आप जरूर बताइए कि ज्योतिष संबंध क्या है मकर संक्रांति का। देखिए, जो पूरा चक्र है, क्लिप्टिक है, ये 12 राशियों में डिवाइडेड है और 27 नक्षत्रों में आगे डिवाइडेड है। तो 360 डिग्री का ये जो पूरा एक्लिप्टिक है, इसमें हर राशि को 30 डिग्री का अंश दिया जाता है और सूर्य जब एक राशि से दूसरे राशि गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको हम संक्रांति बोलते हैं। मगर अभी आचार्य जी ने बताया कि शनि की राशि है और सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं। ज्योतिष में सूर्य को केंद्र बिंदु माना जाता है, उसकी ऊर्जा से ही सारे प्लैनेट कहीं ना कहीं विद्यमान है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। और शनि जो है वो कर्म के देवता माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव, आपके पूर्व प्रारब्ध भाव के स्वामी होते हैं और दशम कर्म के और लाभ भाव के स्वामी, कुंभ राशि के स्वामी शनि माने जाते हैं। दोनों का जो संबंध है वो पिता और पुत्र का है। तो इस संक्रांति के दिन पिता जो है पुत्र के घर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुत्र और पिता का मिलन का समय है और सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं। जब भी सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं वो बहुत ही शुभ काल माना जाता है। कहा जाता है कि आदिकाल में भगवान विष्णु ने आज ही के दिन असुरों का संहार किया था, आज ही के दिन पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे थे ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो। अब हम बात करेंगे राशियों की, तो शुरुआत मेष राशि से कि मेष राशि के लोगों के लिए इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी, आप इसे देखिए, मेष राशि के साथ सूर्य का बहुत ही गहरा नाता है। सिंह के बाद मेष एक ऐसी राशि आती है कि जहां सूर्य अपनी पूरी धज में प्रकट होते हैं, सूर्य जहां पर उच्च के हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों पर, वैसे भी मेष राशि का स्वामी है मंगल, जिनके की गुरु हनुमान जी के सूर्य देवता माने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, ये सूर्य देव उनको वो सब के सब अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आ रहे हैं। अब करना क्या चाहिए कि जिससे सूर्य देव मेष राशि वालों के लिए और भी मेहरबान हो जाए। सबसे पहले आपको गुड़ का दान करना है और दूसरी चीज आपको शहद का दान करना है। अगर मेष राशि वाले लोग गुड़ का और शहद का दान करते हैं संक्रांति वाले दिन, तो बहुत फायदा होगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की, तो आचार्य जी, वृषभ राशि वालों के लिए कितना खास होगा? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी सूर्य देव कम मेहरबान नहीं रहने वाले।
वृषभ राशि वाले, जैसा कि मैंने बताया, जो खास तौर पर अधेड़ उम्र के लोग हैं और उनको पिछले कुछ समय से महसूस हो रहा है कि थकावट रहती है, बिना वजह वो टायर्ड रहते हैं, इस तरह की क्रॉनिक इलनेस से अगर वो गुजर रहे हैं तो ये सूर्यदेव आने वाले 6 महीनों में उनको इस बीमारी से छुटकारा देने वाले हैं। अब किस तरह से सूर्यदेव की कृपा और अधिक प्राप्त की जाए, तो वृष राशि वालों को, क्योंकि इसके जो अधिष्ठाता देवता शुक्र हैं, तो उनसे संबंधित वस्तुएं जैसे सफेद तिल, क्योंकि तिल का संक्रांति पर एक बहुत बड़ा महत्व है, सफेद तिल क्योंकि शुक्र से संबंधित है, अगर वृष राशि वाले सफेद तिल का यथाशक्ति दान करते हैं तो बहुत ही गजब के परिणाम इनको प्राप्त होंगे। और अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए, तो बताइए नीति जी, मिथुन राशि वालों के लिए कितना खास होगा? बुध प्रधान राशि है मिथुन वाले जातक, जो अकाउंट्स में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स में बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, बोलने में बहुत चतुर, मतलब बहुत एक्सीलेंट कम्युनिकेशन क्वालिटीज होती हैं। मकर संक्रांति के दिन जो सूर्य हैं द्वितीय भाव में, आपको इस वर्ष आप इस समय काल में देखेंगे कि आपकी जो ट्रैवलिंग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, व्यापार से रिलेटेड कहीं ना कहीं अगर कोई आपको कोर्ट केस चल रहा है पारिवारिक प्रॉपर्टी को लेके, वो आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, एक गेन सडन होते ससुराल पक्ष से होते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव है, तो दान आज के दिन जरूर करना है। आप लोगों को लिए जो हरा रंग है वो आपको सबऑर्डिनेट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो हरे मूंग की दाल का दान, हरी सब्जियों का दान, रसीले फलों का दान अगर आप करते हैं किसी मंदिर में जाकर या किसी भी गरीब व्यक्ति को, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम मिलता है। साथ में गायों को आज के दिन आप हरा चारा खिलाएं, और इसके साथ साथ गुड़ और तिल का दान तो सभी को करना है, क्योंकि गुड़ में सूर्य का वास है और तिल में कहीं ना कहीं शनि का वास रहता है, तो करके आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बात अब कर्क राशि की करते हैं नीति जी, कर्क राशि वालों के लिए कितना खास होगा? देखिए चंद्रमा प्रधान राशि है और चंद्रमा को बहुत मुख्य ग्रह माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के नक्षत्र के आधार पर हमें दशाएं मिलती हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, मातृत्व का भाव होता है, दिल से अपने डिसीजंस लेते हैं, तो कर्क राशि वाले फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, तो कई बार इमोशंस की वजह से ये विपरीत परिस्थितियों में आ जाते हैं। मकर संक्रांति क्योंकि सूर्य की राशि परिवर्तन है, सूर्य आप लोगों के लिए धन भाव के स्वामी होके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है, आपके वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़े ईगो क्लैशेस जरूर हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं अहंकार भी देता है, तो ईगो क्लैशेस आपके रिलेशनशिप में हो इसमें आप ध्यान रखें, लेकिन पार्टनरशिप के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। थोड़ा हेल्थ इशू आपको भी देखना है, क्योंकि आपके जो स्वामी है चंद्रमा वो शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अष्टम भाव में जाकर शनि के साथ गोचर करते हुए पीड़ित अवस्था में है। आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स का आप दान करें, मिठाई दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल की मिठाई दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ में सफ़ेद ऊनी वस्त्र अगर आप किसी गरीब को देते हैं आज के दिन, तो निश्चय रूप से आपको उसके शुभ परिणाम देखने को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए इस बार आचार्य जी बताइए क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उपाय भी। देखिए जैसा मैंने पहले मेष राशि के बारे में कहा था कि इस पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहती है, इसी प्रकार से सिंह राशि जो कि सूर्य देव की अपनी राशि है, अब क्योंकि हम ट्रांजिट के बारे में बात कर रहे हैं, जो मकर संक्रांति का पर्व है ये पूरी तरह से गोचर का एक पर्व है, यानी जिसमें ट्रांजिट चेंज हो रहा है, एक प्लैनेट दूसरी जगह पर जा रहा है, ट्रांजिट से रिलेटेड जितने भी पुराने शास्त्र हैं सब में एक स्वर से कहा गया है कि अपने से छठे स्थान पर कोई ग्रह जाए तो थोड़ा खराब फल देता है, लेकिन अगर ग्रह स्वयं जाए अपने से छठे, अर्थात जैसे सिंह राशि से छठे स्थान में सूर्यदेव गोचर करेंगे, लेकिन वो अपनी राशि को कभी भी नुकसान नहीं देंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान सूर्य को अनार पॉमीग्रेनेट बहुत प्रिय है, बहुत सारी पुरानी परंपराओं में पुराने जो उपाय हैं उनमें ये भी है कि अनार भगवान सूर्य को दिखाया जाता है और फिर गाय को खिला दिया जाता है, तो अनार का दान करें, अनार का दान करना बहुत ही शुभ रहेगा सिंह राशि वालों के लिए।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कन्या राशि की। तो आचार्य जी बताइए, कन्या राशि वालों के लिए क्या खास होगा? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह बुध हैं, वो सूर्य को अपना परम मित्र मानते हैं। दूसरी बात, कन्या राशि से त्रिकोण में अर्थात पंचम स्थान में, लक्ष्मी स्थान में, पूर्व के पुण्य के स्थान में, संतान भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो कन्या राशि की वो महिलाएं, हमारी बहनें, कि जिनको लंबे समय से कुछ ऐसी समस्या रही है जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता है, संतान नहीं होती है, संतान अभाव में जी रहे हैं, तो पुराण में ऐसी बहुत सारी कथाएं आती हैं कि सूर्य भगवान सक्षम है निसंतान बहनों को संतान देने में। तो ऐसी महिलाएं कि जिनको संतान से जुड़ी हुई कई अन्य समस्याएं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम बुजुर्ग हो गए हैं, बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, हमें जो है अनाथालयों में छोड़ने पर तैयारी चल रही है, इस तरह की जितनी समस्याओं से, जो संतान की तरफ से आने वाली समस्याओं से जो कन्या राशि वाले पीड़ित हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि साबुत मूंग की दाल और गेहूं का दान अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन कर देंगे तो आपकी ये सारी समस्याएं भगवान सूर्य दूर करने में सक्षम है। जानेंगे नीति जी से कि आखिर तुला राशि के लिए इस बार कितना खास रहेगा मकर संक्रांति। नीति जी, बहुत ही शुभ रहने वाला है। सबसे पहली बात है कि तुला राशि शुक्र प्रधान राशि है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो है उनके लाभ भाव के स्वामी होके चौथे भाव में यानी कि सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव कहीं ना कहीं वाहन का सुख और प्रॉपर्टी का सुख दिखाता है। तो आप लोगों के लिए, अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, तो सबसे पहले तो डाउन पेमेंट के लिए या कोई इंस्टॉलमेंट देने के लिए बहुत ही पॉजिटिव दिन है। आप लोग आज के दिन प्लान कर सकते हैं और निश्चय रूप से आप नई प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए देखे जाएंगे, नया वाहन लेते हुए देखे जाएंगे। आपका जो नेटवर्क सर्कल है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत एक्सपैंड होने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं आप जो हायर अथॉरिटीज़ में जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके साथ जो एफ्लुएंट लोग हैं सोसाइटी में, उनके साथ आपके संबंध इतने अच्छे बन जाएंगे कि वो आपको आपके प्रोफेशन में आगे जाके और एक प्रकार से लीड देते हुए देखे जाएंगे। माता का स्वास्थ्य आपको थोड़ा ख्याल रखना है। सफ़ेद चीज़ों का दान आप करिए आज के दिन, सफ़ेद तिल का दान, सफ़ेद मिठाई का दान, सफ़ेद वस्त्र का दान, और कहीं ना कहीं आप कुछ भी एरोमेटिक चीज़ जैसे परफ्यूम्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में भी या गरीबों को भी आप परफ्यूम दान करें। उसमें भी अगर आप चंदन का इत्र दान कर सकते हैं तो बहुत ही शुभकारी रहेगा। माँ लक्ष्मी की पूजा सूर्य के साथ साथ आपको अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी के समक्ष आप 6 कमल के पुष्प उनको अर्पण करें। और अब बात होगी वृश्चिक राशि की, तो नीति जी बताइए वृश्चिक राशि के लिए कितना खास होगा? मंगल प्रधान राशि है, भगवान हनुमान इनके अधिपति होते हैं और आपके जो है सूर्य दशम भाव कर्म भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में जाके विराज गए हैं। देखिए ये वर्ष भी 2024 देखिए शनि का वर्ष है। आप लोगों को मेहनत करनी है और रिजल्ट कंफर्म आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, आपको साहस, पराक्रम और मेहनत का परिचय देना पड़ेगा। इस गोचर के दौरान कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग बढ़ेगी, आपके काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हुई देखी जाएंगी। जो लोग मीडिया के लाइन में, स्पेशली वृश्चिक राशि के लोग और जो पॉलिटिक्स में हैं, मोदी जी की भी कुंडली जो है लगन और राशि वृश्चिक की बनती है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप देखे जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी और थ्रू ट्रैवलिंग दे विल एट गेन्स इन देयर लाइफ। ऐसा देखा जाएगा कि आप जितना आप ट्रैवल करेंगे वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके संबंध ऐसे बनेंगे जो आपको अपने काम के क्षेत्र में और आगे लेके जाएंगे। माता का स्वास्थ्य आपको भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आप इस समय अगर घर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी दिखता है, ट्रांसफ़र ऑफ जॉब भी दिखता है। उपाय क्या करने हैं? देखिए हनुमान जी आपके अधिपति हैं और जो वृश्चिक राशि का जो एक रंग है वो लाल है, तो लाल रंग के ऊनी वस्त्र आप दान करें, गरीबों को दान करें। स्पेशली हनुमान मंदिर के बाहर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे आप दान करें, लाल मसूर की दाल दान करें। आचार्य जी ने बताया जैसे लाल अनार, उसका दान भी बहुत शुभ आप लोगों के लिए माना जाएगा। साथ साथ गुड़ का दान और चने का दान अवश्य करें, ऐसा करने से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और आचार्य विनोद जी से जानेंगे कि आखिर अगली राशि धनु पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। धनु राशि के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके धन स्थान से
जो सभी ग्रहों की आत्मा है, जो विश्व की आत्मा है, उसका संचरण धनु राशि के द्वितीय स्थान पर होने जा रहा है। तो धनु राशि के वो लोग जो पिछले लंबे समय से अपना व्यापार शुरू करना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं जुटा पा रहे थे, धनु राशि के वो लोग जो बड़े लंबे समय से विदेश जाना चाहते थे, यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है बाहर लेकिन फीस नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए ये सूर्यदेव बहुत ही मेहरबान होके आए हैं। ऐसा क्या करें धनु राशि वाले कि जिससे उनको सूर्यदेव की कृपा से धन धान्य की अधिक से अधिक प्राप्ति हो? तो सबसे अच्छा रहेगा कि बृहस्पति ज्ञान का कारक है। मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय धनु राशि वालों को बताना चाहूंगा कि कुछ गरीब बच्चों को ढूंढिए जो एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं, जो लोग अपनी विद्या को धन के अभाव में ग्रहण नहीं कर पा रहे, कुछ छोटी छोटी पुस्तकें लेकर उनको दे दीजिए, स्टेशनरी का सामान लेके दे दीजिए, देखिए कैसे बृहस्पति और सूर्य दोनों ही आप पर मेहरबान हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि की, तो आचार्य जी बताइए मकर राशि के लिए कितना ज्यादा खास होगा? मकर राशि के लोग, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गंगा जल छिड़केंगे सूर्य देव, खास तौर पे मकर राशि के आप जातक हैं और आपको बड़े लंबे समय से कंधों में दर्द था, गठिया का दर्द था, आर्थराइटिस से गुजर रहे थे, जो कि एक क्रॉनिक इलनेस है अगेन, उसमें सूर्य देव आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ देंगे, आपको बहुत ही वो आराम देंगे। इसके अलावा हमारी परंपरा में ये बात भी मानी गई है कि जो संक्रांति है इसमें पिता पुत्र मिलके अपनी जो कड़वाहटें हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नेचर आपके साथ है। अगर पिता तुल्य आपके कोई गुरु हैं या आपके पिता ही हैं, जिन मकर राशि के जातकों का अपने पिता से बनती नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया है या और कई तरह के डिस्प्यूट चल रहे हैं कि पिता पुत्र में नाराजगी है, ये बहुत ही अच्छा दिन है उन सब नाराजगियों को दूर करने का। तो आप काले तिल का दान करें, इससे सूर्य देव आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और सुबह अवश्य ही, क्योंकि आप स्वागत करें, आप ही रियल होस्ट हैं, मकर राशि वाले ही सूर्य के रियल होस्ट हैं, उनका सुबह सुबह उठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को जल चढ़ाए के उनको कहें कि हे प्रभु आप आए, आप हमें आलोकित करें और हम आपका स्वागत करते हैं। देखिए फिर अगले 6 महीने तक, जब तक उत्तरायण में सूर्य देव रहेंगे, कैसे मकर राशि वालों को ब्लेस करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुंभ राशि की, तो बताइए नीति जी कुंभ राशि वालों के लिए कितना खास होगा? राशि जब कोई भी गोचर होता है उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखा जाता है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि के ऊपर शनि का गोचर है तो साढ़े सती का भी प्रभाव है, लेकिन क्योंकि राशि के ऊपर शनि स्वग्रही है तो शश नाम का पंच महापुरुष योग भी शनि देव बना रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। आप लोगों को इस समय, आप देखिए सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी होके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस काल में आप देखेंगे जो लोग फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं या बाहर जाके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, तो वहाँ पे उनको एक इजाफा मिलेगा, एक ईज मिलेगी, आपको फॉरेन ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं। देखिए शनि का दान आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, शनि से संबंधित काले तिल, काली उड़द की दाल, और क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं आपकी आइज को दिखाता है, अगर काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो अंध आश्रम में जाकर जो लोग ब्लाइंड्स हैं, वन आइड हैं या हैंडीकैप्ड हैं, उनको आप किसी भी रूप से सेवाएं दे सकते हैं, दवाइयों के रूप में, अन्न के रूप में, कपड़ों के रूप में आप उनको दीजिए, और कहीं ना कहीं काल पुरुष के पांवों को भी दिखाता है। तो जूता चप्पल का दान जिनके पास नहीं है, लेदर के जूते चप्पल आप काले रंग के आप गरीबों को दान दीजिए, आप देखेंगे इतना लाभ आपको मिलेगा, ना केवल आपके स्वास्थ्य में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में, आपकी पार्टनरशिप में, लेकिन आर्थिक रूप से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आखिरी राशि की, मीन राशि की। बहुत ही शुभ राशि है, गुरु प्रधान राशि, और ये वही राशि है जहाँ पे शुक्रदेव उचके होते हैं, यानी कि गुरु और शुक्र का दोनों का सकारात्मक प्रभाव देखने को इन राशि वालों के लिए मिलता है। आपके लिए छठे भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का है, कोई भी रोग लगा हुआ है,
कोई भी ऋण आप पे चढ़ा हुआ है, यानी कि कोई भी कर्जा आपने ले रखा है या कोई भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं, आप देखेंगे कैसे एकदम इस गोचर के बाद सब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने लग जाएंगे, रोग से मुक्ति मिलेगी, लीगल डिस्प्यूट्स में आपको फायदा होगा, आपके फेवर में डिसीजन जाएंगे। साथ साथ जो लोग लॉयर्स हैं या जजेस हैं इस राशि वाले, उनको विशेष रिकॉग्निशन मिलती हुई देखी जाएगी, डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आप देखेंगे, तो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। दान क्या करना है, गुरु क्योंकि बृहस्पति का कारक है, पीली वस्तुओं को आपको दान में देना है, पीले रंग के लड्डू या तिल, सफ़ेद तिल आप दान में दे सकते हैं, पीले वस्त्र किसी भी प्रीस्ट को, मंदिर में किसी पुजारी को आप दान दीजिए, पीले रंग का अनाज चना आप दान दीजिए, गुड़ का दान, आटे का दान आपको करना है, और चंदन और केसर का तिलक मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप रोज लगाइए, उससे आप देखेंगे कि आपका अपना व्यक्तित्व एक अलग करिश्मा के साथ चमकेगा और आप हर क्षेत्र में आगे। तो ये हुई 12 राशियों की बात कि आपको क्या करना है और इस बार मकर संक्रांति का प्रभाव क्या पड़ेगा, लेकिन जाते जाते आचार्य जी एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि सूर्य का गोचर होना बहुत ज्यादा राशियों के लिए खास माना जा रहा है, सूर्य को प्रसन्न कैसे करें? सूर्य से ही सभी ग्रहों का अस्तित्व है, अगर जो लोग एस्ट्रोनॉमी में जाएं, फिजिक्स में जाएं, वहाँ पर पढ़ाया जाता है कि किस तरह से सूर्य से ही बाकी सभी ग्रहों का उद्गम हुआ है, तो ये एक सारे प्रश्नों का, सारे शो का, बल्कि आपने सार पूछ लिया कि सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें। इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक तो ये कि सूर्य हमारे जीवन में है क्या, सूर्य हमारे गुरु हैं, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारे हमारी सरकार है, तो अगर आप सरकार द्वारा नियत नियमों का अक्षरशः पालन करते हैं तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं, आप अपने बुजुर्ग पिता की सेवा करते हैं तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, थोड़ा परहेज करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य देव आपसे प्रसन्न होते हैं। ये तो रहा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दूसरी चीज की इसका शास्त्रीय विधान क्या है, तो भगवान राम ने जब रावण पर विजय पाई थी उससे पहले उनको सूर्य देव के प्रति समर्पित भाव रखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का मशवरा मिला था, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है वो सभी प्रकार के युद्धों में विजय दिलवाने वाला है, जीवन के किसी भी संघर्ष से निकालने वाला है। बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य विनोद शर्मा जी ने क्या कहा आपने सुना ही, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नीति शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम मकर संक्रांति।